सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। किसी के बारे में राय बनाने से पहले उससे बात कर लेना। दूसरों की सुनी गई बातें अक्सर अफवाह होती है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सकें। आज का पंचांग 24 जनवरी 2021 दिन रविवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 10:58 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:43 से 6:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। धनु राशि 24 जनवरी 2021 दिन रविवार, स्पष्ट बातचीत के साथ कोई बड़ी खुशी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप कहां से संबंधित है इसके बारे में जानने का प्रयास करें। जूनियर सहकर्मी अधीनस्थ और यहां तक कि आपके भाई बहन सभी को आपकी जरूरत है। क्या आप उन्हें सुनने और उनकी सराहना करने के लिए तैयार हैं? आप हमेशा सार्थक बातें करते हैं पर आज कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी तरह से नया होगा। सहकर्मी या अन्य साथी आपकी सहायता करेंगे। स्वयं को विभिन्न कामों में न उलझें, प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करें और योजना के अनुसार काम करने का प्रयास करें। जीवन बहुत छोटा है इसलिए पूरे जोश से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर स्थिति में खुश करने का तरीका बताएगा। आपका रहन सहन तथा बोलचाल का तरीका लोगों को आपकी तरफ आकर्षित रखेगा। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजना बनेगी। काम से संबंधित बातों में प्रगति देखने में और वक्त लग सकता है लेकिन काम आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ दूरियां बनाए रखना भी आपके लिए फिलहाल ठीक रहेगा। दूसरों द्वारा बोली गई बातों की वजह से खुद के अंदर नकारात्मकता न आने दें। सावधानियां, इस समय विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा मेहनत की जरूरत है। भूमि संबंधित खरीद बिक्री करते समय पेपर आदि अच्छी तरह अवश्य चेक कर लें। ध्यान रखें कि कोई आपका नजदीकी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए अपने विचारों के साथ साथ शक्ल सूरत पर भी ध्यान दें। नया हेयर कट एक अच्छा उपाय है। अहंकार बनती बात बिगाड़ सकता है इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आप पर पूरा विश्वास करता हो। आप एक जागरूक प्रेमी हैं और आज का दिन कुछ नया करने के लिए उपयुक्त है। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। आपके प्रेम में एक नयापन है और आप अपने रिश्ते को एक नया रुख देंगे। आप स्वयं अपने रिश्ते को विकसित कर सकते हैं इसलिए दूसरों पर विश्वास ना करें। बात करते हैं करियर की। नए काम की पहल आपको आनंद और उपलब्धियां प्रदान करेगी। आज हर निर्णय सोच समझ कर लें व अपनी शक्ति और कमजोरी का मूल्यांकन करें। अपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल की वजह से आज आशा से भरपूर हैं। मिजाज में नम्रता लाकर आप दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। आप अपना कुछ सार्थक कर रहे हैं और आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप एक नई शुरुआत करने वाली हैं। अपने सहकर्मियों के
समर्थन के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अपनी प्राथमिकताओं का खास ख्याल रखें। याद रखें, सफलता आपके पास चलकर नहीं आती, बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। बात करते हैं सेहत की। लंबे समय के बाद आज आप खुद को स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग किसी तरह की शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, आज उनके सेहत में पहले से सुधार आएगा। अपने व्यायाम करने के आदत को बनाए रखें। इसका फल आपको अभी और अच्छे समय तक देखने को मिलेगा। आज का उपाय। आज आप तांबे के बर्तन या घी का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।